ये कौन सा ब्रांड है? ये विनक्लोर है। अच्छा हमें बजट फ्रेंडली दिखाएं थोड़ी। ये क्या है, इसकी क्या प्राइस है? 2800। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज की वीडियो होने वाली है बहुत चैलेंजिंग, क्योंकि आज मुझे सिर्फ 5000 का बजट मिला है और मैंने खरीदना है 5000 के अंदर अंदर मेकअप प्रोडक्ट्स जो कि डेली यूज़ होने वाली है, और वो भी ब्रांडेड मेकअप। अच्छी फाउंडेशन, अच्छा कॉम्पैक्ट पाउडर, अच्छा मस्कारा और हर चीज़ अच्छी होनी चाहिए। और ये बजट मुझे दिया है मेरी बहन ने, क्योंकि उसको ख़रीदना था कुछ मेकअप और उसने मुझे कहा कि अंडर 5000 आपने मुझे ये सारी चीज़ें ख़रीद कर देनी हैं। तो अब देखते हैं हम कि इसमें क्या क्या चीज़ें ख़रीद सकते हैं। बाय द वे, मौसम बहुत खूबसूरत हो रहा था और हम निकल पड़े हैं जनाब अलफतेह। वहाँ से मैंने कहा कि मेकअप ख़रीदेंगे, क्योंकि वहाँ पर सारे ब्रांड्स होते हैं तो तमाम ब्रांड्स हमें एक ही जगह पर मिल जाएंगे। लेकिन यार आप यकीन करें कि यहाँ पर मेकअप वीडियो बनाना, रिकॉर्ड करना वीडियो बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर वीडियो बनाना अलाउड नहीं था। आप मेकअप आप चेक करें, मौसम कितना प्यारा है, और ये मेरी बहन का बेटा छोटा सा। तो जनाब फिर भी हम यहाँ पर ढीठ बन के वीडियो रिकॉर्ड करते रहेंगे। हमें हर जगह पे किसी ना किसी ने रोका है कि वीडियो नहीं बनानी, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए फिर भी छोटे छोटे क्लिप्स जो है ना वो शूट कर लिए हैं। तो हम यहाँ पर गोल्ड क्रेस्ट में एंटर हो गए हैं, अब हम अलफतेह की तरफ जा रहे हैं नीचे, और अलफतेह से फिर हमें मेकअप ख़रीदना है। और यार ये इतनी कोई चैलेंजिंग वीडियो मैं आपको बता नहीं सकती कि सिर्फ एक फाउंडेशन ख़रीदना इतना डिफ़िकल्ट हो रहा था। एक तो हमें अपना एग्जैक्ट शेड मैच करना था स्किन टोन से, दूसरा फिर हमें प्राइस भी अपने बजट में रहते हुए लेनी थी, कि हमें 5000 में फाउंडेशन भी ख़रीदनी थी, कॉम्पैक्ट भी ख़रीदना था, मस्कारा भी ख़रीदना था, लिपस्टिक्स भी ख़रीदनी थी। तो यार हमारे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा था ये। तो फाइनली हम अलफतेह पहुंच गए हैं। अब यहाँ पर ये हमें गार्ड भी एक दफ़ा इन्होंने रोका है कि वीडियो मत बनाएं, लेकिन हम फिर भी थोड़े थोड़े क्लिप्स शूट कर रहे हैं आप लोगों के लिए। और आगे जाएंगे और आगे हम मेकअप वाले सेक्शन में जाकर मैंने आप लोगों के लिए, ये यहाँ पर भी मुझे किसी ने टोका है। तो बहरहाल अब मैं पहुंच गई हूँ फाउंडेशन सिलेक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले हम फाउंडेशन सिलेक्ट कर लेते हैं। अब आप चेक करें कि कितनी स्ट्रगल हुई है इसके पीछे। अच्छा ये शेड एक्यूरेट है इसके। अच्छा इसकी क्या प्राइस है? इसकी प्राइस है 4950। अब आप चेक करें कि 4950 सिर्फ एक फाउंडेशन की प्राइस है, और यार हमें चाहिए 5000 के अंदर पूरा मेकअप। अब आप मेरी स्ट्रगल चेक करें बस। हाँ फेस पे करवा दें, फोरहेड पे। फाउंडेशन काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हो गया। लिप कलर मैम कर दे नहीं अभी। तो फाइनली यार यहाँ हम फाउंडेशन ख़रीदने में कामयाब हो गए। हमें 2025 रुपए में एक अच्छी फाउंडेशन मिल गई है जो कि गैबरीनी की है, विजिबल मैट फिनिश देती है और वाटरप्रूफ है। बहुत अच्छी फाउंडेशन थी ये, हमें बहुत अच्छी रेंज में मिल गई थी। और उसके साथ ही मैंने एक मस्कारा भी ख़रीद लिया था जो कि 650 रुपए का है, और ये मस्कारा जो है वो मुझे मैं ऑलरेडी यूज़ कर रही थी, तो मेरे दिमाग में एक बजट फ्रेंडली मस्कारा यही था जो कि एक अच्छा मस्कारा भी होगा और बजट फ्रेंडली भी था। तो यार टोटल हमारा कुल मिला के अब आप अंदाज़ा लगा लें, 2025 और 650 ये तो कितने रुपए का ख़र्चा हो गया है। और अभी हमारे पास कुछ पैसे बाकी हैं, अभी हमने सिर्फ दो चीज़ें ख़रीद ली हैं। यूके में सही है, एक ये कर दें 780। ये हमने ये सो फाइनली यार इतनी मुश्किल से एक कॉम्पैक्ट पाउडर भी हमें मिल गया जो कि हमारी रेंज में आ गया है। 780 इसकी प्राइस है और ये रिवाज यूके का है, फोटो रेडी कॉम्पैक्ट पाउडर है, परफेक्ट कवरेज देता है, बहुत अच्छा पाउडर था, मुझे अच्छा लगा यार। और सिर्फ ये ही नहीं कि बजट फ्रेंडली है बल्कि अच्छा भी है। तो तीन चीज़ें ऐड हो गई, यहाँ लगी हुई हैं, यही है ना रिवाज। लिपस्टिक्स लेनी है, ये लिपस्टिक्स भी लगी हैं। ये कौन सी कंपनी है? ये रे रिवाज में से है लिपस्टिक्स, इसकी 1299 है, और ये वाले सेम प्राइस है। लैशेस क्या, लैशेस कितने की लगी हुई है? 1799। अच्छे रहते हैं। अच्छा ये कौन सी कंपनी का? रिवाज रिवाज का। हाँ ये अच्छे होते हैं,
ये इसकी क्या प्राइस है? 165. हाँ ये अच्छे हैं, इसमें से हाँ इसको एज अ लिप पेंसिल और उस एज अ लिपस्टिक भी यूज कर सकते हो. मस्कारा हो गया, फाउंडेशन हो गई, कॉम्पैक्ट हो गया, और ये और क्या लेना है? ये ले रही हूँ इसका, ये बोलो. हाँ ये अच्छा है, एक ब्राइट ले लो, एक वो नॉर्मल ले लो, दो शेड्स. हाँ ये वाला अच्छा लग रहा है. ये वाला हाँ ये भी अच्छा लग रहा है. सो यार लिपस्टिक्स तो हमारी रेंज से बहुत ज़्यादा बाहर हो रही थी, क्योंकि आप लोगों ने देख ही लिया कितनी कितनी एक्सपेंसिव लिपस्टिक्स थी. तो मैंने लिप पेंसिल्स को प्रेफर किया, जो कि रिवाज की लिप पेंसिल्स हैं, लेकिन यार ये एज अ लिपस्टिक भी यूज़ हो सकती हैं. इनकी बहुत अच्छा एक क्रीमी टेक्स्चर है इनका, बहुत बिल्कुल ड्राई नहीं होती, ये ज़बरदस्त सी हैं और लॉन्ग लास्टिंग भी हैं. ये मैं यूज़ कर चुकी हूँ तो मुझे ये अच्छी लग रही थी. और इसमें हम हमारे पास ऑप्शंस भी थी कि हम डिफरेंट कलर्स जो हैं वो ख़रीद सकते थे, क्योंकि 165 में हमें सिर्फ ये एक मिल रही थी. तो हमने इसमें तीन कलर ले लिए हैं, थ्री डिफरेंट कलर्स, ताकि थ्री डिफरेंट कलर्स की लिपस्टिक्स हो जाएँ. एक डार्क और दो लाइट शेड लिए हैं. तो यार ये देख लें आप, शेड्स भी मैं आपको चेक करवा रही हूँ, काफ़ी अच्छे शेड्स थे. तो यार मेरी तरफ से ये जो है ना डन हो गया, एक और चीज़ ऐड हो गई है. कंसीलर किन के लिए चाहिए? नहीं ये इस फॉर्म में ना देना, वो इसमें दें. लाइटर शेड यूज़ करती हैं कि डार्क? नहीं नॉर्मल दरमियाना शेड दें, कोई येलो अंडरटोन में हो. हाँ ये वाला दे, हाँ ट्राई करवा दे. किया तो है ऐसे, इसके ऊपर लगा दें ज़रा, कितना सेट किया हुआ है पाउडर. कॉम्पैक्ट कंसीलर और लिप पेंसिल्स. सो फाइनली गाइज हमने कंसीलर भी ले लिया, जो कि हमें हमारे बजट में मिल गया. 385 रुपीज़ में हमें लिक्विड कंसीलर मिल गया रिवाज का, जो कि बहुत अच्छा कंसीलर है. इसकी कंसिस्टेंसी भी बहुत अच्छी है और फुल कवरेज भी दे रहा था. तो यार ये हमने डन करवा दिया. और यहाँ पर इसके साथ ही होता है मेरा चैलेंज कम्प्लीट, क्योंकि मुझे इसने ये पाँच चीज़ें ही कही थी कि मुझे ये पाँच चीज़ें चाहिए, ब्लश ऑन और बाकी चीज़ें उसके पास थी. तो यार 5000 के अंदर रहते हुए मैंने पाँच चीज़ें बहुत मुश्किल से ली. यहाँ पर हमने बिल करा लिया, मैं आपको दिखाती हूँ कि टोटल बिल कितना बना है. हमारा बना है टोटल 335 रुपीज़ का, यानी कि 4335 रुपीज़ हमारा टोटल बिल बना है. अभी हमारे पास कुछ पैसे बच गए हैं, लेकिन यार यहाँ पर मैंने अपने चैलेंज को बहुत अच्छे तरीके से डन कर दिया है. बहुत खुश हुई थी मेरी बहन, उसको सारी चीज़ें बहुत पसंद आई थी. तो यार ये थी आज की वीडियो, होपफुली आपको पसंद आई होगी. अगर पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स अपनी राय का इजहार लाजमी करना. मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय.